हेलो दोस्तों, सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इनकी निडर और ईमानदारी पत्रकारिता के कारण आज पूरे देश में मनीष कश्यप अपना लोहा मना चुके हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये सस्तक न्यूज के माध्यम से अर्थव्यवस्था तथा प्रशासनिक सेवाओं में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर कमियां तथा इनके अंदर हो रही धांधली के बारे में लोगों को बताते हैं और इनके वीडियो को लोग लाखों में देखते हैं तथा कमेंट में भ्रष्ट शासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए बताते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मनीष कश्यप जी से कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आपने नहीं जाना होगा और ना ही सुना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप जी का जन्म 9 मार्च 1988 को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक बहुत ही छोटे से गांव में। मनीष कश्यप जी के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है, जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। इनके एक भाई हैं जो अपनी निजी कंपनी में काम करते हैं। मनीष कश्यप विवाहित नहीं है, क्योंकि ये बताते हैं कि उस जैसे क्रांतिकारी को कौन अपनी बेटी देगा। दोस्तों, वर्तमान समय में ये बिहार में रहकर ही पत्रकारिता कर रहे हैं। कई बार ये देश के अलग अलग राज्यों में जाकर भी पत्रकारिता करते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप जी बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते थे। यह अपने विद्यालय में होनहार बच्चों की गिनती में आते थे। मनीष कश्यप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही 2007 में पूरी की थी तथा 12वीं की पढ़ाई 2009 में पूरी करने के बाद महाराष्ट्र आ गए। यहां पर मनीष कश्यप जी ने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 2016 में प्राप्त की। दोस्तों, इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद मनीष कश्यप ने कहीं पर भी नौकरी की बजाय वापस अपने राज्य लौटे और पत्रकारिता के माध्यम से देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को सच तक न्यूज़ के द्वारा बुलंद किया। दोस्तों, मनीष कश्यप सरकार की नाकामी और सरकारी कार्यालयों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताने वाले मनीष कश्यप को आज हम सभी लोग एक निडर ईमानदार पत्रकार के रूप में जरूर जानते हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से इस पत्रकारिता की शुरुआत की और अपने आप को बिहार में नहीं अपितु पूरे भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई है। दोस्तों, वर्ष 2016 में मनीष कश्यप सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे से अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वापस बिहार आ गए। मनीष कश्यप के मन में हमेशा से देश तथा लोगों के हितों की आवाज़ को उठाना ज़्यादा अच्छा लगता था। इस कारण आते ही पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 13 जुलाई 2018 को मनीष कश्यप ने YouTube पर सच तक न्यूज शुरू किया और सरकार की नाकामियों तथा गलतियों के बारे में लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना शुरू किया। दोस्तों, इन्होंने अपनी पत्रकारिता का परिचय देते हुए सरकारी कार्यों में हो रही घोटाले तथा रिश्वतखोरी के खिलाफ भी कई वीडियो बनाए। दोस्तों, आम इंसान को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अपने YouTube चैनल सच तक न्यूज पर एक ऐसी वीडियो बनाई जिससे लोगों को ये पता चला कि हमारा हक क्या है और उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद कुछ ही समय के भीतर मनीष कश्यप को बिहार में काफी प्रसिद्धि मिल गई और बिहार के लोग इन्हें निर्भीक पत्रकारिता के कारण सन ऑफ बिहार के नाम से पुकारने लगे। इसके अलावा लोग खान सर के बराबर मनीष कश्यप को बताने लगे, क्योंकि पढ़ाई के मामले में खान सर तथा पत्रकारिता के मामले में मनीष कश्यप से बेहतर और कोई नहीं है। पत्रकारिता के दुनिया में कदम रखने के बाद मनीष कश्यप ने अपने देश को बदलने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखा। इसके बाद मनीष कश्यप फिर से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। उन्होंने सरकारी कार्यालयों, चिकित्सा क्षेत्र, सरकारी कार्यों में हो रही धांधली के बारे में रिपोर्टिंग की। मनीष कश्यप ने बिहार के स्कूल की जर्जर स्थिति तथा सरकारी अध्यापकों की नाकामी को भी जनता के सामने लाने के कार्य किए। इन्हीं सब कारणों से बिहार के लोग इन्हें सन ऑफ बिहार के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा मनीष कश्यप ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रशंसा की है। वर्तमान समय में मनीष कश्यप के द्वारा चलाए जा रहे सच तक न्यूज चैनल पर 33 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं तथा फेसबुक पेज के माध्यम से करोड़ों लोग इनकी न्यूज़ को देखते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप के लिए एक लाइक तो बनता है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।